नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर दिल्ली का विक्रम वेज। जैसा कि आपको पता है, कल मैं चला था अपने घर दिल्ली से एक्टिवा स्कूटर पर, टोहाने तक मैं आया हूं। अभी आज मैं टोहाना से संगरूर जाऊंगा, जो कि मेरा गांव है। ये जो मेरा गांव है, ये हमारा पुराना पुश्तैनी गाँव है, जिसको पंजाबी हम पिंड बोलते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड भाग दो भी बहुत पसंद आएगा। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे जाकर के सब्सक्राइब करने के बाद टिंग बेल के ऑप्शन पे जरूर करें। और आप देखते रहिएगा, मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने गांव में, संगरूर में, वहाँ की गलियों में, पिंड की गलियाँ, साडी गलियाँ, पिंड दी गलियाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ अब संगरूर अपने गाँव में, जो कि टोहाना से है कम से कम 30 किलोमीटर। जो मैंने आपको कल भी बताया था, जो टोहाना है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है। और संगरूर, सब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, संगरूर जो है वो पंजाब में पड़ता है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ आपको पंजाब की गलियाँ दिखाने। ये टोहाना शहर है, आप देख सकते हैं, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। और चलते हैं सीधा संगरूर की तरफ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आएगी। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब सीधा संगरूर। देख सकते हैं, ये मकोड़ साहब का गुरुद्वारा है, ये मकोड़ साहब है। कहते हैं इसमें एक सरोवर है, अगर आप उसमें नहाते हैं, सरोवर का स्नान करते हैं, आपके जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। और ये मकोड़ साहब का गुरुद्वारा बड़ा ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब, जो कि 9वीं पातशाही आई थी और वहाँ पर उन्होंने रात को स्टे किया था, बोले सोने सत श्री अकाल। ये सामने आप देख रहे हैं, जो मेरी एक्टिवा जा रही है उसके नीचे ये घग्गर नदी है, जो कि एक बरसाती नदी कहती कहा जाता है इसको। ये किसी टाइम पे जब मैं बचपन में यहाँ आया करता था तो बहुत गहरी होती थी, अब बरसातें हिंदुस्तान में कम होने की वजह से इसका जो वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अब मैं ये धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ अपने गाँव की तरफ, अपने पिंड की तरफ। इंजॉय करें म्यूज़िक को और खूब मज़े करें।
तो अब मैं मंडवी यानी कि डिस्ट्रिक्ट संगरूर अपने गांव में आ गया हूँ। ये मेरी पिंड दी गलियाँ ने आप देख सकते हैं, ये मेरे गांव है और ये गांव की गलियाँ हैं मेरी। मैं बचपन में यहाँ बहुत खेला करता था। तो मैं ये पहुँच चुका हूँ अपने गांव, ये मेरा घर है, तो ये संगरूर में है और मैं ये पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ की गलियाँ हैं ये, और इन गलियों में मैं बचपन में खेला करता था और मैं यहाँ आ चुका हूँ इस गलियों में। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं दिल्ली से यहाँ से पूरे 300 किलोमीटर आया हूँ संगरूर में, और आज मैं पहुँचा हूँ। आज रात को मैं यहीं स्टे करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा आगे वापस दिल्ली के लिए। यहाँ से मेरा जो ये घर जो बना हुआ है मेरे ताऊ जी ने बनाया था 1986 में, इसको हम लोग बैठक कहते हैं यहाँ पर, जिसको हम इंडिया जैसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग रूम, पंजाब में बोलते हैं बैठक। तो पंजाबी भरावानों मेरी यह वीडियो बड़ी पसंद आएगी। जेड़े भी NRI प्रहाने सब्सक्राइब जरूर करन, लाइक जरूर करन और ए पिंड दी गलियां दे मजे लैन। ठीक है जी, अगे मिलने हैं। पिंड दी गलियां, गांव की गलियां आप देख लीजिएगा, ये हमारा पंजाब है। मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, बचपन मेरा यहीं बीता है। मेरे पापा, मेरे ताया जी, हम लोग सब उनके पास यहाँ आते थे। मेरे फादर साहब, ये है यहाँ से बस अड्डे की तरफ रास्ता जाता है, ये आप देख सकते हैं पंजाब पिंड दी गलियाँ। मैं बहुत मिस करता हूँ इन गलियों को। दिल्ली का विक्रम भी आज आपको संगरूर की गलियाँ दिखा रहा है, और मैंने बहुत समोसे खाए हैं इनकी दुकान से, मुझे याद आता है। यहाँ पे ये बस अड्डा है, यहाँ का बस अड्डा ये। और अब मैं सीधा यहाँ से अपने खेतों की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। जो खेत हैं यहाँ से हमारे 3 किलोमीटर दूर हैं, और आप देख सकते हैं सड़कें शानदार बन चुकी हैं। किसी टाइम पे ये जो सड़कें जो थी ये पक्की सड़कें नहीं थी। ये गाँव का व्यू है हमारे विलेज का, द व्यू ऑफ आर विलेज, पिंड दी गलियां। सारे देखो, शेयर करो भाइयों, और चैनल में सब्सक्राइब भी करो। खाली वीडियो नहीं देखनी, सब्सक्राइब भी करना है। तो तुम देख सकते हो मैं जा रहे हैं अपने पिंड दी गलियां तो सीधा अपनी पैली बिच। इन हिंदी आई एम टेलिंग यू। हाँ, किसी टाइम पे मेरे भैया मेरे साथ हैं, वो बता रहे हैं। और मुझे भी याद है ये सड़क बड़ी कच्ची थी, इसमें बहुत मिट्टी होती थी, और आज पंजाब गवर्नमेंट ने इसको पक्की सड़क बना दिया। यहाँ पर एक CBSE स्कूल भी आ चुका है, जो कि अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, देखेंगे। और लोग पक्के मकानों में यहाँ रह रहे हैं, किसी टाइम पर सारे मकान कच्चे होते थे। अभी भी लोग यहाँ पर मंडवी छोड़ना नहीं चाहते, मंडवी अपना पिंड अपना गाँव को वो नहीं छोड़ सकते। आप इंजॉय करें व्यू का। मेरी जो ये आवाज़ आप सुन रहे हो, ये मेरे भैया की आवाज़ है, जो कि यहीं पंजाब में रहते हैं यहीं पे। आज रात मैं उन्हीं के पास रुकूंगा, कल रात मैं टोहाने वाले भैया के पास रुका था, आज रात मैं मंडी वाले भैया के पास रुकूंगा, जो कि संगरूर में है। मेरे कज़न हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं ये। ये देख सकते हैं आप खेत, और ये खेतों में से ही हमारे खेतों में रखा जाता है। बहुत ही शानदार व्यू है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं, आप भी करिए। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे CBSE स्कूल बन चुका है, जो कि मेन गांव के अंदर बनाया गया है। CBSE बोर्ड दिल्ली का ये स्कूल है। ये जो स्कूल है यहाँ के बच्चों के लिए नहीं थे, यहाँ के बच्चों को बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता था, तो अब ये स्कूल जो है गांव में आ गया है। तो बहुत ही पंजाब ने तरक्की करी है, पंजाब के गाँव ने। और अब मैं जा रहा हूँ फिर आगे खेतों की तरफ। खेतों में आया हूँ अपने, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी हमारे खेत हैं इधर, और ये सड़क से इधर इस पार भी हमारे खेत हैं। और मैं ये दिल्ली से पूरे 300 किलोमीटर आया हूँ, तो पिंड दी गलियाँ तो होंदे हुए मैं खेतों से आया, पहली से आया। तो मैं को आशा करता हूँ कि अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक
जरूर करेंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब तो कर लो यार, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिएगा खेतों का व्यू, और ये देखिएगा आप मेरे पीछे सारा का सारा खेत, और ये सड़क, और इधर से फिर दोबारा आप देखेंगे ये है खेत हमारे, और पीछे जो है मेरे कजन्स हैं जिन्होंने जो आए हैं घर से, अब हम लोग आए हैं। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें भैया, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें, ये जो आप देख रहे हो, जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो छोटी सी जो ये नदी सी जा रही है, जो बचपन में मैं इसे खेला करता था, ये भाखड़ा नहर से ही आ रही है। अब का आज का जो मैं एपिसोड है यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा पार्ट टू भी पसंद आया होगा। कल आप मेरा पार्ट थ्री देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि तोहाना के अंदर जो भाखड़ा नहर है वो कैसे तीन स्टेट के लिए डिवाइड हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं तोहाना हेड। तो आप लोग कल तक का वेट करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इंतज़ार करें बाय। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा भैया, राइड करते हुए सारे के सारे राइडिंग गियर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और हेलमेट ज़रूर पहने, बिना हेलमेट के बिल्कुल भी नहीं, राइड तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑलवेज वियर हेलमेट, सेफ राइडिंग, ख्याल रखें अपना। जय हिंद, भारत माता की जय।